एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत माइज इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला, लेकिन एक मरतबा एक औरत के साथ बदकारी पर आमदा हो गया। जिस औरत से बदकारी की वो भी शादीशुदा थी। हजरत माइज ने उसके साथ जिना किया नऊज़ुबिल्लाह। उस औरत को, एक हसीनो जमील खूबसूरत औरत थी, उसके घर के करीब से गुजर रहे थे, घर के बाहर वो खड़ी हुई थी, उसने इनको अपनी तरफ रागिब किया, ये रागिब हो गए और उस गुनाह में मुब्तला हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो बेहतर जमीन है, जो अच्छी जगह है, वो मस्जिद है, मगर जब हम इस्लाही जलसों में मेलों को और बाजारों को लेकर चले तो फिर हमारे हालात क्या होंगे वो समझा जा सकता है। आज यही वजह है कि वो कौम जो हुकूमत के लिए पैदा की गई थी, जो दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए पैदा की गई थी, आज गुलामी पर और आज मजालिम झेलने पर मजबूर है। आज वो कौम जुल्म का शिकार है। गुलामों से बदतर हमारी जो पिछली कौमें ऐसी गुजरी हैं, या कुछ ऐसे समाज जिनको निचला और छोटा तबके का समझा जाता था, उससे भी गई भी थी, आज हमारी हालत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इस वक्त पोजीशन का यह हाल है कि ना सियासी प्लेटफॉर्म पर हमारी कोई कयादत है, ना तालीमी एतबार से हमारा कोई अपना मियार और कोई अपनी हैसियत है, ना माशियात और बिजनेस के एतबार से कोई हमारा अपना मियार है। हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं, मकसद हमें नहीं पता। गुनाहों में लुथड़ी भी हमारी जिंदगी है, जबकि हमारा मकाम यह था डॉक्टर इकबाल की जबान में कि सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का शुजात का, सबक पढ़ अदालत का सदाकत का शुजात का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। हम दुनिया के इमाम बनने के लिए आए थे, लेकिन आज हम मुक्तदी की भी हैसियत में नहीं। आज जो हम पर मसालिम हैं, जो हमारी हालत बद से बदतर है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, दूसरे नहीं हैं। क्योंकि ये कुरान अजीम का वादा है, रब तबारक व ताला का फरमान है। अल्लाह ताला कुरान अजीम में फरमाता है कि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह उस कौम का हाल नहीं बदलता, हत्ता युगय्यिरु मा अन्फुसिहिम, जो खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे। जो कौम अपने आप को खुद बदलना नहीं चाहती, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, बल्कि वो कौम दिन ब दिन जो अपने हालात को सुधारने से गाफिल अब बेपरवाह होती हैं, वो दिन ब दिन जुल्म सितम का भी शिकार होती हैं और जहालत के गहराई में दिन ब दिन गिरते जाती है। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो पोजीशन ये आ गई है कि एक वक्त ये था कि जो कुछ गुजर रहा है हमारे साथ वो एक अलहदा बात है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान की ज़मीन पर इतनी तो इजाज़त थी कि हम अपना हालात का बयां कर सकते थे, अपनी आहो फिका का इजहार कर सकते थे, अपने दर्द और कर्ब का इजहार अपनी कौम के सामने कर सकते थे। अब उस पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है। अब अगर कोई अपनी कौम की इस्लाह के लिए कुछ कहता भी है तो उस पर भी केसेस हो जाते हैं, और जो हालात चल रहे हैं आप जानते हैं, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं। इसकी वजह यह है कि आज हम गुनाहों में लुथड़े हुए हैं, हमने अपने नबी के फरामीन को पशे पुष्ट डाल दिया है, पीठ पीछे डाल दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। आज हमारे नजदीक छोटे गुनाह तो कोई हैसियत ही नहीं रखते, बल्कि बड़े बड़े गुनाह हम करके गुजर जाते हैं और एक लम्हा में एहसास भी नहीं होता। हालांकि कुरान अजीम में अल्लाह ताला हमसे मुतालबा कर रहा है कि तुम मोमिन हो, अपनी हालत तुम्हें बदलना चाहिए, इसलिए कि तुम अपनी हालत इसलिए बदलो कि तुम दूसरों के हालात बदलने के लिए भेजे गए हो।
قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی ہماری شان و عظمت یہ بیان کرتا ہے کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رب فرماتا ہے کہ اے لوگو, یعنی امت محمد جیسا خطاب ہے, تم بہترین امت لوگوں کے لیے, لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو, جن کا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. مگر آج ہم خود برائیوں میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیا روکے. آج حالات یہ ہیں کہ ہمیں خود اپنے نفس کو, اپنے آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم اپنے حالات کو سنوارنا اور سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کریں. اور توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ خطبے میں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اسی کو میں نے آج اپنا موضوع بنایا ہے. پارہ نمبر 28 سے سورہ تحریم ہے اور آیت نمبر 8 ہے. رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اے ایمان والوں, اللہ کی طرف توبہ کرو. اے ایمان والوں, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو, توبہ کرو. پھر توبہ کی تعریف بیان کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ توبہ تمہیں کیسی کرنا ہے. ایک توبہ ہوتی ہے جو رسمی ہوتی ہے, رسمی طور پر آدمی کہہ دیتا ہے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے, لیکن پھر اسی گناہ کو کرتا ہے, گناہ چھوڑتا نہیں ہے, لیکن روزانہ بس کہتا رہتا ہے رسمی طور پہ اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے. جھوٹ بولتا کہتا ہے اللہ جھوٹ بولا معاف کر دے. زنا کرتا کہتا ہے اللہ زنا ہو گیا معاف کر دے. چوریاں کرتا کہتا ہے اللہ چوری ہوتی ہے معاف کر دے. گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر توبہ بھی کرتا رہتا ہے. گویا اس نے توبہ کو ایک مذاق بنا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ, اے ایمان والو, اللہ کی طرف توبہ کرو, رجوع کرو. لیکن ایسی کیسی توبہ کرو؟ رسمی توبہ نہیں, دکھاوے کی توبہ نہیں, بلکہ کیسی توبتن نصوحا, توبتن نصوحا کرو. سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, توبہ کا معنی کیا ہے, اور پھر توبتن نصوحا کے معنی کیا ہے. وقت ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, حضرت امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی کتاب بڑی مشہور اور تصوف میں لکھی جانے والی یہ سب سے پہلی کتاب ہے. اپنے وقت کے امام بھی, اپنے وقت کے صوفی بھی ہے. حضرت امام قشیری کی کتاب ہے جس کا نام ہی ہے انہی کے نام سے, رسالہ قشیریہ. چنانچہ رسالہ قشیریہ کے اندر صفحہ نمبر 242 پر وہ نقل فرماتے ہیں کہ توبہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے. توبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے لوٹنا, پلٹنا, رجوع کرنا. لغوی یعنی یہ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہے. اور اصطلاح شریعت میں, شریعت کی اصطلاح میں توبہ سے مراد وہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ ایسے کام جو ممانعت کے ہیں, شریعت نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا, مذموم کام ہے, گناہ کے کام ہے, توہین آمیز کام ہے, بدترین کام ہے, ایسے کام جس کو دیکھ کر گھن آئے, جس کو سن کر لوگ نفرت اور متنفر ہو, ان کاموں کو چھوڑ دینا اور ان کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف ترغیب راغب ہو جانا, اس کو توبہ کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی توبہ کی تعریف. اور صاحب تفسیر خازن جو قرآن عظیم کی جنہوں نے تفسیر لکھی, تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت جلد نمبر 4 صفحہ 287 سورہ تحریم آیت نمبر 8, اور تفسیر مدارک میں بھی امام نصفی نے اس کی بارے میں لکھتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں, کہ اللہ فرماتا ہے توبتن نصوحا کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں یہ محدثین کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس سے رجوع کرنے کے بعد, جس کو چھوڑنے کے بعد آدمی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے,
ऐसे गुनाहों से लौटे और उसका उस गुनाह की तरफ जाना ऐसा मुमकिन हो जैसे जानवर से जब दूध धो लिया जाता है तो वो दूध जिस तरह उसके थन में दोबारा नहीं जा सकता उसी तरह गुनाहों की तरफ दोबारा न लौटे। जैसे दूध का थनों में दोबारा वापस जाना मुमकिन नहीं, वैसा ही इंसान ऐसी तौबा कर ले कि उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, उसे कहते हैं तौबतुन नसुहा। और तौबा एक ऐसी शय है कि जो अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा बंदे को पसंदीदा बना देती है। जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको नापसंद फरमाता है और उसके बाद जब वो तौबा करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबतन नसुहा करता है, तो अल्लाह ताला का पसंदीदा हो जाता है। और फिर उसकी कैफियत और हालत कैसी होती है, हजरत अब्दुल इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अनु की हदीस है जिसको इमाम इब्ने माजा ने अपनी किताब जोहद के अंदर नकल किया। हदीस नंबर इसकी 4250 है कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब किसी गुनाह को कर जाता है, बशरी एतबार से गुनाह हो जाता है, मगर फिर तौबतुन नसुहा करता है, इस अहद के साथ तौबा करता है कि अल्लाह ये गुनाह हो गया, अब ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करूंगा। जब ऐसी तौबा कर लेता है तो आका फरमाते हैं अल्लाह उसको माफ फरमा देता है और वो ऐसा गुनाह से पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था, इतना साफ सुथरा हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि तौबा करना ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चुनांचे हदीस पाक में सही बुखारी के अंदर हदीस आती है किताबुद दावात के अंदर हदीस नंबर 6307 कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा। आका फरमाते लोगो अल्लाह की कसम, कसम खा के फरमा रहे, वल्लाही अल्लाह की कसम, मैं अपने रब की बारगाह में रोजाना 70 मरतबा इस्तगफार करता हूं, 70 मरतबा तौबा करता हूं। कितनी मरतबा तौबा, ये एक तादाद बताइए। इस हदीस की तशरीह और इसकी शरह करते हुए हजरत इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह उमदतुल कारी शरहुल बुखारी में नकल फरमाते हैं कि इसका यह मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह से रोजाना माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीउल अज़ीम के गुनाह होते थे फिर नबी तौबा करते थे। अंबिया याद रखिए मासूम अनिल खता होते हैं, गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह का शायबा भी उनमें नहीं होता, गुनाह करने का ख्याल भी उनमें पैदा नहीं होता। ऐलान नबूवत से पहले भी वो मासूम होते, खताओं से पाक होते, ऐलान नबूवत के बाद भी पाकी होते हैं। हत्ता के गुनाह कबीरा, बड़े गुनाह तो छोड़िए, गुनाह सगीरा और मकरूहात से भी अंबिया परहेज करते हैं। हजरत इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस हदीस की शरह करते हुए कि अल्लाह के नबी 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इसलिए तौबा करते थे ताकि हम उम्मतियों के लिए सुन्नत बन जाए और ये नमूना बन जाए। इसमें तौबा के साथ हमारे गुनाह भी मिटा दिए जाए और चूंकि नबी ने तौबा की तो सुन्नत का हमको सवाब भी दे दिया जाए। हम गुनाहगारों की खातिर आका ने तौबा की अल्लाह की बारगाह में, वरना ये नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम माज़ल्लाह गुनाहों में लुथड़े हुए थे या गुनाह करते थे, ये तसव्वुर करना भी जायज नहीं है। उम्मत की तालीम के लिए आपने तौबा की और एक बार नहीं, आप फरमाते रोजाना का ये मेरा मामूल है, रोजाना मैं अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इसको अपना अमल भी बना लिया। और तौबा करना अल्लाह को कितना पसंद है, एक हदीस कुदसी में आता है, आका फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मेरा परवरदिगार मुझसे इरशाद फरमाता है कि मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है कि अगर ना दानिश्ता तौर पर उससे गुनाह हो जाए, गुनाह कर गया, इंसान है, बशर है, कमजोरियां उसमें, कमियां हैं, और फिर मेरी बारगाह में वो तौबा कर लेता, अल्लाह फरमाता है मेरा बड़ा पसंदीदा वो बंदा है
और अगर ऐ लोगों तुम तौबा करना छोड़ दो, मेरी बारगाह में तुम रुजू करना छोड़ दो, तो मैं कादिर हूँ कि तुम्हें फना कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, हलाक कर दूँ और एक ऐसी कौम ले आऊँ कि जो गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह में झुक जाए और तौबा करे। इससे पता चला कि तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। जब इबलीस मरदूत करार दिया गया, आप सब जानते हैं कि इबलीस मरदूत क्यों हुआ, फरिश्तों का सरदार था, इजाजील नाम था, फरिश्तों को आदाब इलाही सिखाता था, फरिश्तों को इबादत के रमूज और तरीके बताता था, मगर अल्लाह की नाफरमानी की, हजरत आदम को सजदे का हुक्म दिया अल्लाह ने, उसने सजदा नहीं किया, नाफरमानी की, उसकी बुनियाद पर काफिर करार दिया गया, मरदूत हो गया, इबलीस और शैतान हो गया। अल्लाह ने फरमाया खुरुज, निकल यहां से, अब तुझ पर कयामत तक लानत है, अब तू मेरी बारगाह का धुतकारा हुआ है। तो उस बदबख्त ने तौबा नहीं की, अड़ गया और अपने उस जाहलाना काम की ताबीले करने लगा, कहा कि मैं इसलिए नहीं झुका आदम के सामने, मैं आग से पैदा किया गया हूं, आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, आग बेहतर है, आग की फितरत बुलंदी की तरफ उठना है, मिट्टी की फितरत पस्ती की तरफ चाहना है, चूंकि मैं आदम से बेहतर हूं, तखलीक में आदम से पहले हूं, फरिश्तों का सरदार हूं, तखलीक भी अच्छी शय से मेरी हुई है, लिहाजा मैं अपने सामने कमजोर और नाकिस को कैसे सजदा करूं। ये बेजा तावीले की उसने ये ना देखा कि ये अल्लाह का हुक्म है। तौबा नहीं की, अपने गुनाह पर अड़ गया, अल्लाह ने मरदूद इबलीस शैतान करार दिया, खबीस करार दिया, कहा मेरी बारगाह से निकल जा। जब जाने लगा तो अल्लाह की बारगाह में नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक चुरत करके कहता है कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब आदम को तू जमीन पर भेजेगा, क्योंकि तूने पहले ही फरमाया कि आदम को जमीन पर मैं खलीफा बनाऊंगा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, आदम की औलादे भी होंगी जमीन पर, तो मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, उनको तेरे रास्ते से हटा दूंगा और मैं उनकी ताक में लगा रहूंगा, हर औलादे आदम को मैं उस वक्त तक जब तक बहका ना लूं चैन से नहीं बैठने वाला, मैं वादा करता हूं तुझसे। अल्लाह ने फरमाया मरदूद, मैं भी वादा करता हूं, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अपनी शान और अजमत की कसम, मैं आदम की औलाद को उस वक्त तक बख्शता रहूंगा जब तक वो तौबा करते रहेंगे, हत्ता कि आखिरी सांस उनके हलक में होंगी, जब भी वो तौबा करेंगे मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। अगर तू गुमराह करने पर कमर बस्ता है तो मैं भी मगफरत करने पर तैयार हूं, और मैं बंदे को हर हाल में बख्शने वाला हूं, बशर्ते कि बंदा आजीजी और इनके सारी के साथ मेरी बारगाह में झुक जाए। बंदा जब आजीजी और इनके सारी के साथ अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, उसका यह झुकना ही अल्लाह को पसंद आता है। चुनांचे हिकायत में आता है और इसको बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी अश्शाफ़ई ने नुज़ुतुल मजालिस में इसको नकल किया और भी मुतअद्दिद उलमा ने नकल किया है कि कौम बनी इसराइल में बारिश रोक दी गई। याद रखिए, जब गुनाह बढ़ते हैं तो नेमतें रोक दी जाती है, कौम को आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाता है। आज हमारी आजमाइश का सबब हमारे गुनाह है। कौम बनी इसराइल में गुनाह बढ़ गए, बारिश रोक दी गई, अब बारिश नहीं हो रही है, लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो गए, यहां तक के लोग हलाकत के करीब पहुंच गए, मरने की नौबतें आ गई, जानवर मरने लगे, खेतियां सूख गई, जमीन सूख कर बिल्कुल कड़क हो गई, पानी पीने के जखायर खत्म होने लगे, लोग जाते बनी इसराइल के कौम के लोग जाते दुआ करते मगर अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता, रोजाना जाते दुआ करते गिड़गिड़ाते मौला तौबा हमारी कबूल कर, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हम पे बारिश बरसा दे, बारिश नहीं बरसती। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त जाहिरी हयात पे तशरीफ फरमाते, कहा है मूसा आप अपनी कौम का हाल देख रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, हलाक हो रहे हैं जानवर, तबाह हो रहे हैं, हम लोग हलाकत के करीब पहुंच चुके हैं, हम आप हमारे पैगंबर है, नबी है, क्यों नहीं आप ऐसा करते कि हमें अपने साथ ले जाएं, आप दुआ करें और हम आमीन कहें, क्या बईद है कि आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले,
और यकीनन अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा कि आप अल्लाह के महबूब हैं। जनाब मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, कल हम सब लोग एक बहुत बड़े मैदान में जमा होंगे जो आबादी से दूर था, और तुम सब जब मैदान में आ जाओ, यहां तक कि तुम में जो बच्चे हैं उनको भी साथ ले लो, जो बीमार हैं उनको भी साथ ले लो, जो जानवर हैं उनको भी साथ ले लो, हत्ता के ऐसे बीमार जो चल फिर नहीं सकते, ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, चलने फिरने से माजूर है, उन्हें भी अपने साथ ले लो, उनको अपने कांधों पर, उनको सवारियों पर बिठा लो, पूरी आबादी में कोई जानवर ना रहे, कोई बच्चा ना रहे, कोई बीमार ना, पूरी आबादी को खाली करके मेरे साथ चलो। आपने हुक्म दिया और कौम के लोग जमा हो गए, छोटे बड़े जितने जानवर थे घरों में उनको भी रस्सियां खोलकर उनको भी साथ ले जाती है कौम बनी इसराइल, ये कौम जो बीमार थे जो चल फिर नहीं सकते उनको खाट पर रखकर कांधों पर सवार करके उनकी औलादें उनको लेकर चलती है, और मैदान में पूरे बनी इसराइल जमा हो गए, गोया पूरी आबादी अब खाली थी। हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए एक मिंबर लगाया गया, लकड़ी का एक मिंबर बनाया गया, मिंबर एक तख्त को कहते हैं, आप उस पर जलवा घर हुए और आपने कहा लोगों मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। मूसा अलैहि सलाम ने हाथों को उठाया, अर्ज किया मालिक कायनात मेरी उम्मत पर मेरी कौम पर रहम फरमा, ये हलाक हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बारिश और अपनी रहमत अता फरमा दे। रब तबारक व तआला ने वही नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जानते हो बारिश क्यों रोकी गई है, ऐ मूसा तुम दुआ तो कर रहे हो, क्या ये नहीं जानने की कोशिश करोगे कि बारिश रुकी क्यों है, हमने अपनी रहमत को क्यों रोक लिया इस कौम से, परवरदिगार मुझे बता ताकि मैं अपनी कौम की इस्लाह करूं, किस सबब से बारिश रोकी गई। अल्लाह ने फरमाया इस पूरी कौम में एक ऐसा गुनाहगार है, एक ऐसा बदकार है कि ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसने उसने ना किया हो। जितने गुनाह होते हैं दुनिया में, जितने गुनाह जाने जाते हैं, हर कई गुनाह वो कर गुजरा है और मुसलसल गुनाह करता है, अपने गुनाहों से रुजू नहीं करता, तौबा नहीं करता, माफी नहीं, उसे पछतावा नहीं। मैं उस एक बंदे से बहुत नाराज हूं, इसलिए उस एक बंदे की वजह से मैंने पूरी कौम से बारिश को रोक दिया। इससे यह भी पता चला कि अगर माशरे में और कौम में एक भी बदकार हो तो बाज औकात एक बदकार की वजह से सारे कौम को, सारे लोगों को तकलीफ होती है। एक मशहूर मुहावरा है ना, आपने सुना होगा कि एक तालाब की गंदी मछली सारे तालाब को खराब कर देती है, सड़ा देती है। हम क्या सोचते हैं भाई, अगर मैं एक अकेला गुनाह कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे माशरे में हमारे समाज में बहुत सारे नेक लोग भी तो हैं, बहुत सारे लोग नमाज भी तो पढ़ते हैं, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो क्या फर्क पड़ता है। मगर ये गुनाह सिर्फ हम तक नहीं रहता बल्कि इसके असरात हमारे खानदान पर भी मुरतब होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब पर भी मुरतब होते हैं, माशरे पर भी मुरतब होते हैं, बाज औकात पूरे पूरे शहर पर एक के गुना मुरतब होते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो एक ऐसा शख्स है तुम्हारी कौम में, ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि जो उसने ना किया हो, मैं उससे इतना नाराज हूं कि उसकी वजह से मैंने बारिश रोकी है। मूसा अगर तू चाहता है कि तेरी कौम को बारिश दी जाए, अपनी कौम से, अपनी समाज से, अपने माशरे से उसका बायकाट करो, उसको निकाल कर बाहर करो, जब तक वो तुम्हारी कौम में से उठकर निकलकर बाहर नहीं चला जाएगा उस वक्त तक मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा जलाल आया, इतना बदतरीन शख्स, एक ऐसा शख्स मेरी कौम में कि जिसके सबब से पूरी उम्मत पूरी कौम परेशान है मेरी। बड़े जलाल के आलम में आपने फरमाया कि लोगों तुम में से एक शख्स ऐसा मौजूद है इस वक्त इस पूरे मजमे में कि जिसने सारे गुनाह किए, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो उसने ना किया हो। अल्लाह फरमाता है कि उसी की वजह से ये बारिश को रोका गया है, ये रहमत को रोका गया है, जब तक वो हमारी माशरे से, हमारी कौम में से, हमारी उम्मत में से ना निकल जाए तब तक बारिश नहीं होगी। इससे पहले कि अल्लाह उसका नाम बताए और मैं उसको जलील और रुसवा करके निकालूँ, वो खुद इस मजमे में से उठे और हमारे दरमियान में से उठकर चला जाए। जब हजरत मूसा ने बड़े जलाल के साथ ये ऐलान किया तो वो जो गुनाहगार शख्स था वो जानता था कि मैं क्या गुनाह करता हूं, उसको अपने गुनाह से आगाही थी, अपने गुनाहों से खूब वाकिफ था।
उसने अपने सर पे चादर डाली, चादर के नीचे अपने सर को छुपाया और निदामत में रोते हुए अर्ज करता है, खाली के कायनात आज ये नौबत आ गई कि इस पूरी कौम में मुझे ऐसा रुसवा किया जाएगा। वो गुनाह मैंने बहुत से ऐसे गुनाह है जो छुप कर किए, जो मैं ही जानता हूँ, मगर आज तूने मेरे गुनाहों को मूसा पर जाहिर कर दिया और अपने नबी को बता दिया, और अगर वो नबी मेरे गुनाहों का इजहार करे तो मेरी कितनी रुसवाई होंगी। ऐ खालिक कायनात, इससे पहले कि मैं रुसवा किया जाऊं, ऐ मालिक कायनात, इससे पहले कि मुझे जलील व खार करके इस कौम से निकाला जाए, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। और फिर एक जुमला कहा, अल्लाह के नबी फरमाते कि जुमला ऐसा था कि अल्लाह को बड़ा पसंद आ गया। उसने अर्ज किया, मालिक कायनात, मेरे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देख। ऐ खालिक कायनात, क्या मेरे गुनाह इतने बढ़ गए कि तेरी रहमत उसके मुकाबले में कम पड़ गई? क्या तेरी रहमत से मेरे गुनाह ज्यादा हो गए? बस जैसे ही जुमला कहा, अल्लाह की रहमत को जोश आया और अचानक बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। पूरी कौम बारिश में भीगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि वो गुनाहगार शख्स तो कोई था ही नहीं, उठा ही नहीं कोई, कि बारिश कैसे हुई? अभी तो रब ने फरमाया कि जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, बारिश नहीं होने वाली। हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, तू तो इरशाद फरमा रहा था कि मेरी उम्मत में, मेरी कौम में कैसा गुनाहगार है कि हर कोई गुनाह उसने किए हैं, जब तक उसको निकाला ना जाएगा बारिश तू अता नहीं फरमाएगा, लेकिन इस पूरी कौम में जितने कौम बैठी हुई है, जितने लोग बैठे हैं, उसमें से तो कोई ऐसा शख्स उठा ही नहीं कि जो इस तरह का उठता और वो निकल जाता कि हम समझते कि वो गुनाहगार है, लेकिन इससे पहले कि कोई उठे तूने बारिश अता फरमा दी। ऐ परवरदिगार, ये कैसे बारिश अता कर दी गई, आखिर हुआ क्या? रब ने इरशाद फरमाया, मूसा अभी अभी उस बंदे ने तौबा की और मैंने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। हजरत मूसा अर्ज करते, परवरदिगार उस बंदे का नाम और उसकी पहचान बता, ताकि उस तायब को, उस तौबा करदा शख्स को जो तेरी बारगाह में तौबा करके मकबूल पसंदीदा हो चुका है, मैं उसको देखो और उसकी जियारत करूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसको छुपाया, अब तो वो तायब वाला हो गया है, मेरा पसंदीदा हो गया है, तौबा तब नसुहा कर चुका है, अब क्या उसका नाम और पहचान जाहिर करके उसको अब रुसवा कर दो? जब गुनाहगार था तब तो मैंने उसके गुनाहों को छुपाया, अब तो वह तायब हो चुका है, तौबा कर चुका है, अब क्यों मैसेज जाहिर करूं ताकि लोग जाने कि यह गुनाहगार वही था? तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है, बशर्ते कि बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। एक हदीस पाक में आता है कि आका सल्लल्लाहु तआला वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे को कयामत के दिन लाया जाएगा, वो बंदा कांप रहा होगा, उसका बदन बदन पर कपकपी तारी होगी, बदन थर थर आ रहा होगा, रब के सामने लाया जाएगा क्योंकि वो बंदा बड़ा गुनाहगार होगा। रब फरमाएंगा, आप क्यों कांप रहा है, अब क्यों डर रहा है? जब दुनिया में डरने का वक्त था तू तब डरा नहीं, जब दुनिया में मुझसे खौफ खाने का तेरा वक्त था तूने मुझसे खौफ नहीं किया, ऐ बंदे अब क्यों कांप रहा है, अब क्यों डर रहा है? वो बंदा अर्ज करेगा, खालिक कायनात, मैंने गुनाह किए, माना कि मुझसे गुनाह हुए, लेकिन रब्बे कदीर तेरी रहमत इतनी जरूर थी कि मैं वो गुनाह छुप कर करता था और वो गुनाह कौम और मेरे लोग आसपास के नहीं जानते थे, लेकिन आज मैं इसलिए लर्जाबर अंदाम हूँ, इसलिए खौफ जदा हूँ, इसलिए कांप रहा हूँ कि रब्बे कायनात आज मेरे गुनाह सबके सामने खोले जाएंगे और सबके सामने मुझे रुसवा किया जाएगा। अब वो लोग भी मेरे गुनाहों को जान लेंगे जो दुनिया में मुझे अच्छा समझते थे, मेरे गुनाहों से वाकिफ नहीं थे, मैं तो छुप कर गुनाह करता था, लेकिन आज जब मेरे गुनाहों की फेरिश खोली जाएंगी, जब आज मेरा नाम अमाल सबके सामने खोला जाएगा, तो सब जान जाएंगे कि ये देखने में तो बड़े पारसा थे, बड़े परहेजगार थे, लेकिन ये तो इंतहाई पापी और गुस्ताख और बहुत ही बदतरीन शख्स था, इसलिए मैं कांप रहा हूँ कि आज सबके सामने मेरी रुसवाई होंगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ बंदे, जब मैं इतना रहीम और करीम था कि दुनिया में तेरे गुनाहों पर, तेरे ऐबों पर मैंने पर्दा डाल के रखा, मैं कादिर मुतलक हूं कि आज भी तेरे गुनाहों पर पर्दे डाल के रखूं। ऐ फरिश्तों, इसका हिसाब इस तरह पर्दे में ले लो कि इसकी कौम को और इसके लोगों को इसके गुनाहों की और इसके अमाल का खबर भी ना हो। आका फरमाते हैं कि उसके हिसाब व किताब इस तरह पोशीदगी के साथ ले लिया जाए।
तो अल्लाह की रहमत मायल व करम है, लेकिन कोई मांगने वाला तो हो। और याद रखिए, गुनाहों के ताल्लुक से एक उसूल ज़ाबता है, और ये ज़ाबता हमने नहीं बनाया, ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, आका ने फरमाया कि बंदा दुनिया में अगर तौबा ना करे, बगैर तौबा किए हुए दुनिया से चले जाए, तो उस गुनाह की सजा कयामत के दिन फिर बहुत शदीद, और अगर उसने तौबा कर ली या उस गुनाह की उसको सजा मिल गई, तो अल्लाह ताला एक गुनाह की सजा दो मरतबा नहीं देता। यही वजह है कि सहाबा इकराम का हम जब अमल देखते हैं, तो सहाबा इकराम का यह हाल था कि अव्वल तो गुनाहों से अपने आप को हत्ताल इम्कान बचाते थे, और खुदा ना खास्ता बशरी एतबार से कोई गुनाह हो जाए तो वो खुद रसूल की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की तलाफी करते, अपने गुनाहों का इकरार करते थे, क्योंकि कुरान अजीम का हुक्म उनके पेशे नजर था। जो सूरह निसा आयत नंबर 64 में रब ने इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊ, ऐ लोगो जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो, यानी तुम कोई गुनाह करो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, फस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तग़फार करो, अल्लाह से तौबा करो, वस्तग़फरा लहुमुर रसूल, और अगर ये मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दे, मेरा रसूल तुम्हारे लिए भी अपने हाथों को उठा ले, लवा जदुल्लाह तवाब रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। इस हवाले से सिर्फ मैं एक वाक्या पेश करता हूं, वरना सहाबा के ऐसे वाक्यात बहुत सारे हैं। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत माइज इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला, शादीशुदा थे, हालांकि उम्र दराज थे, लेकिन एक मरतबा एक औरत के साथ बदकारी पर आमदा हो गए। जिस औरत से बदकारी की वो भी शादीशुदा थी, हजरत माइज ने उसके साथ जिना किया, नऊज़ुबिल्लाह। उस औरत को, एक हसीन और जमील खूबसूरत औरत थी, उसके घर के करीब से गुजर रहे थे, घर के बाहर वो खड़ी हुई थी, उसने इनको अपनी तरफ रागिब किया, ये रागिब हो गए और उस गुनाह में मुब्तला हो गए। एक जज्बाती कैफियत थी, रोक ना सके अपने आप को, गुनाह कर गुजरे, बाद में एहसास हुआ कि मैं रसूलल्लाह का सहाबी और मैंने क्या किया है। अल्लाह ताला कयामत के दिन कितना सख्त अजाब करेगा इस गुनाह पर। बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, सहाबा का जमगट्ठा है, सहाबा के झुरबुट में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज किया और कहा, अल्लाह के नबी मुझे पाक फरमा दीजिए। ये जुमला था उस वक्त जिससे सरकार जान जा गए कि ये किस गुनाह की बात कर रहे हैं और किस गुनाह से पाकी के लिए आए। इस्लाम का कानून ये है कि किसी भी जुर्म की सजा दो वक्त नाफिज होती है। पहला ये कि कोई जुर्म हो, कोई गुनाह हो, और मुजरिम खुद अपने गुनाह का तीन मरतबा इकरार कर ले। अगर किसी मुजरिम ने खुद इकरार कर लिया तीन मरतबा कि हाँ ये गुनाह मैंने किया, तो अब शरीयत का कानून नाफिज हो जाएगा। दूसरा ये कि मुजरिम अगरचे इनकार करे, मगर जो है बाशरा तीन मुत्तकी और परहेजगार अहले ईमान में से तीन गवाह मिल जाए। चार जिना के चार है, बाकी गुना के तीन, जिना के लिए चार गवाह चाहिए। चार गवाह मिल जाए, मुत्तकी परहेजगार, उसके शरार भी बड़े सख्त है फिर, के बाजारों में खाते पीते ना हो, मस्करापन ना करते हो, बाशरा हो, मुत्तकी हो, और इस हाल में देखे हो, देखा होगा, उलमा कहते हैं कि इस हाल में उस फेल को अंजाम होते हुए देखा होगा जैसे सुरमा दानी में सलाई। अब वो इस हालत में अपनी आंखों से देखा और वो गवाही दे तो फिर जुर्म साबित होता। अब यहां कोई गवाह नहीं था, उन्होंने पहली बार आए सरकार की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए इस गुनाह से। आका ने चेहरा फेर लिया, सरकार चाहते थे कि ये बच जाए, क्योंकि शरीयत की सजा ये है कि अगर शादीशुदा होकर कोई जिना करे तो उसकी सजा मौत है, और मौत भी इतनी दर्दनाक और भयानक के कौम के लोग उस पर पत्थर मारे, जिसको संसार करना कहते, इतने पत्थर मारे जाएं जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। और अगर कोई कवारा शख्स करे, शादीशुदा नहीं है, कवारा, उसने जिना किया, तो उसकी सजा है 80 कोड़े,
और वो 80 कोड़े इतने शदीद होते थे कि बाद औकात किसी पे अगर 80 कोड़े की सजा नाफिज होती थी तो चंद कोड़ों में भी कई लोगों के दम निकल जाते थे। 100 कोड़े कैसी है जी? अच्छा हजरत बता रहे हैं कि 100 कोड़े हैं जिना के लिए, मैं वो जुमले से रुजू करता हूँ, 80 के लिए 100 कोड़े। और वो कोड़े क्या होते हैं? चाबुक जिसको बोलते हैं ना, और उसके सामने एक नोकीला सा थोड़ा सा कील लगा दी जाती थी, जब कोड़ा मारा जाता था खींचा जाता तो चमड़ी लेके निकलता है। अंदाजा लगाइए ऐसे कोड़े खाना इतना आसान नहीं, हम जैसे कमजोर लोग तो बर्दाश्त भी ना करें, उसमें भी मौत हो जाती थी कई बार, बच गया तो किस्मत। अब आका चाहते हैं कि सजा ना हो, ये अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह कबूल कर लेगा, मैं भी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा। लेकिन उनकी नीयत क्या है हजरत माईस की, कि इससे पहले कि मैं मरूं और मरने के बाद कयामत के दिन इसका सख्त अजाम मुझे दिया जाए, मैं दुनिया में ही पाक और साफ होकर चला जाऊं, उस जुर्म जो सजा जो जुर्म मुझसे हो गया उस जुर्म की सजा मैं दुनिया में पा लूं। पहली बार अर्ज के अल्लाह के नबी मुझे पाक फरमा दीजिए, सरकार ने चेहरा फेर लिया। दूसरे बार फिर हुजूर के चेहरे के सामने आते, फिर अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। आका ने फिर चेहरा फेर लिया, बार बार चेहरा इसलिए फेर रहे हैं कि माईस गोया तुम यहां से चले जाओ, क्यों इकरार कर रहे हो अपने जुर्म का, तुम ही जानते हो कोई और नहीं जानता, अपने गुनाह पर सबको क्यों गवाह कर रहे हो। जब तीसरी बार कहना चाहा तो आपने साहबा से मुखातिब होकर कहा, क्या है मेरे साहबा, क्या ये दीवाना है, मजनून है, पागल है, मतलब मेरी बात समझ नहीं रहा है, अपने गुनाह का बार बार इकरार कर रहा है, क्या ये मजनून है, दीवाना है। साहब ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी माईस दीवानी और पागल नहीं है, मजनून नहीं है। हजरत माईस खुद कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं दीवाना मजनून नहीं हूं, होश और हवास में मैं कह रहा हूं, अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूं, अल्लाह के नबी मुझे पाक फरमा दीजिए। जब तीसरी बार इकरार कर लिया तो सरकार ने कहा कि माईस तूने अपने ऊपर हद को अब लाजिम कर लिया, अगर काश तू अल्लाह की बारगाह में रुजू करता, मैं तेरी सिफारिश करता, क्या बईद था कि अल्लाह तेरे जुर्म को इस गुनाह को माफ कर देता, मगर अब तूने इकरार किया तो शरीयत का हुक्म तुझ पे नाफिज हो। फरमाए लोगों जाओ इसे संसार करो। एक वादी में कौम के लोग ले गए और पत्थर मारना शुरू किया। जब पत्थर बरसने शुरू हुए, इंसान थे, दर्द होता था, तकलीफ होती थी, बेशुमार पत्थर आ रहे हैं, पेशानी जख्मी हो रही है, हाथ टूट रहा है, पैर की हड्डी टूट रही है, गाल और रुखसार जख्मी हो रहे हैं, होठ जख्मी हो रहे हैं, आंख पे पत्थर लग रहा है, सर पे पत्थर लग रहा है, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश है। जब जख्म आए, पत्थरों की शदीद जरबे महसूस हुई, तकलीफ हुई तो भागे, कौम पीछा करती रही, यहां तक कि ये भागते रहे और लोग पीछे भाग भाग के पत्थर मारते रहे। एक वो मौका आया कि सामने एक पहाड़ी आई और वहां पर रास्ता नहीं था, ये पहाड़ी पर आकर रुक गए, यहां तक के कि लोगों ने मारा, एक शख्स ने ऊंट की कोई हड्डी उसके हाथ में मिल गई, उस हड्डी को उठाया और इतने जोर से मारा, पेशानी पे जोर से हड्डी लगी, ये जमीन पे गिरे और इनकी रूह कफे उनसरी से परवास करे। हजरत माईज रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। कौम के लोग इनको संसार करके सजा देकर वापस लौटे, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ माईज का? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हमने उसे संसार किया और उसकी मौत हो गई। और फिर पूरी कैफियत बताई कि सरकार वो इस तरह भागे, हुजूर ने फरमाया कि जब वो भाग रहे थे तो काश तुम उसको छोड़ देते। तभी एक सहाबी में से किसी शख्स की जबान से कुछ सख्त जुमले निकल गए हजरत माईस के लिए। उन्होंने कहा, कितना बदतरीन जो शख्स था कि या रसूलल्लाह आपका सहाबी था और सहाबी होकर उसने ऐसा बुरा फेल अंजाम दिया। जब ये जुमले सादिर हुए उस शख्स से तो आका ने फरमाया, खामोश हो जाओ, तुम क्या जानो कि माईस ने कैसी तौबा की है? उसने ऐसी अजीम तौबा की कि उसकी तौबा अगर तमाम रुए जमीन पर तमाम लोगों में फैला दी जाए तो सबके गुनाहों के लिए काफी हो जाए। ऐसी तौबा की हजरत माईस ने। फिर एक दूसरी रिवायत में आता है कि वो खातून जिसके साथ इन्होंने जिना किया था वो भी हुजूर की बारगाह में आ गई, वो भी अर्ज करती, या रसूलल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। कहा, क्या तू वही औरत है जिसके साथ माईस मुब्तला हुआ? अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह। अब यहां आका का इल्म गैब भी देखें आप। हुज़ूर ने उसकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि तेरे शिकम में वो बच्चा
जान पा रहा है, सांसें ले रहा है, जो उस जिना के नतीजे में तेरे शिकम में है। माई ने जो तेरे साथ जो कुछ फेल किया उससे बच्चा तेरे शिकम में, तेरे पेट में करार पकड़ चुका है। चूंकि वो बच्चा बेकसूर है, अगर तू मारी गई तो बच्चा भी हलाक हो जाएगा। जाओ जब बच्चे की विलादत हो उसके बाद आओ। ये खातून चले गई, साहबिया थी ये भी, 9 महीने के बाद आती है, बच्चे की विलादत हो चुकी है, गोद में बच्चे को लेकर आती है, अर्ज करती है रसूलल्लाह वो बच्चा पैदा हो चुका है, सरकार मुझे अब पाक कीजिए। मैं बताना ये चाहता हूं, अंदाजा लगाइए साहबा इकराम में गुनाहों से तायब होने का कितना जज्बा था। इंसान थे, बशरी एतबार से गुनाह सरजद हो जाते थे क्योंकि मासूम नहीं थे, मासूम सिर्फ दो साल। लेकिन औलिया के बारे में हमारा अकीदा यह है कि औलिया मासूम नहीं होते लेकिन महफूज होते। अल्लाह ताला उनको अमान अता फरमाता है और अपने फजल करम से उनको गुनाहों से बचाता है। या एक मायने ये उलमा ने बयान की कि अगर गुनाह सरजद हो भी जाए तो अल्लाह उस पर कायम नहीं रहने देता, रुजू करते तौबा करते और अल्लाह पाक को साफ फरमा देता है। चुनांचा वो बच्चा लेकर आती है, कहती है या रसूलल्लाह ये बच्चा पैदा हो चुका है, तौलूद हो चुका है, अब मुझे पाक फरमा दीजिए, मुझ पर अब सजा नाफिज कीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा अभी दूध पीता है, शिकम ये शीरखार बच्चा है, ये अभी दूध पीने में तेरा मोहताज है, जा इस बच्चे को ले जा अपने साथ, और जब ये बच्चा कुछ खाने पीने के लायक हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी, तब तुझ पर शरीयत का हुक्म नाफिज किया जाएगा। ये लौट जाती है और उसके बाद तकरीबन 2 या 1.5 साल के बाद आती है और बच्चे को गोद में लिए हुए हाथ में एक रोटी का टुकड़ा है और बच्चा रोटी के टुकड़े को चूस रहा है, कहती या रसूल अल्लाह अब ये बच्चा खाने भी लगा है। यानी अंदाजा लगाइए कि उसको मोहलत दी जा रही है बार बार, लेकिन वो बार बार खातून आती है अपने गुनाहों की तलाफी के लिए सजा पर आमदा, सजा को झेलने के लिए तैयार है, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। ये ऐसे तौबा करने वाली जमात थी, कहती यार रसूलल्लाह ये बच्चा देखिए अब ये खाना पीने भी लग गया है, अब ये दूध का मोहताज ही नहीं, मैंने इसका दूध छुड़ा दिया है, हुजूर देखिए ये रोटी भी चूस रहा है। आका ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और फरमाया अपने साहबा से, तुम में से कोई है जो इस बच्चे की किफालत और परवरिश का जिम्मा ले ले। एक साहबी आगे बढ़े, अर्ज के यार रसूलल्लाह अगर आप पसंद करें तो ये बच्चा मुझे दे दे ताकि मैं इसे अपने बेटों की तरह पालूं, इसकी परवरिश करूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। सरकार ने उस साहबी को बच्चा दे दिया और फरमाया जाओ अब इस पर हद कायम करो। चुनांचे नतीजतन उन पर भी वही हाल हुआ कि संसार किया गया और उसी संसारी के आलम में उनका विसाल होता। और रिवायत में फिर यही जुमले आते हैं, आका उस खातून उस साहबिया के बारे में भी यही फरमाते कि उसने ऐसी तौबा की कि अगर वो तौबा सारे रूए जमीन के इंसानों में तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए किफालत करे, सबके लिए काफी हो जाए। तो ऐसे बड़े बड़े जराइम हो जाते थे और वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या है, मौत है, लेकिन वो दुनिया की तकलीफ को गवारा कर लेते थे, आखरत के अजाब से उन्हें इतना खौफ और इतना डर होता था कि आखरत में जो इसकी सजा मिलने वाली है बहुत ज्यादा बहुत शदीद है। चुनांचे ये तौबा के चंद वाकयात से मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि आज हमें भी एहसास करना चाहिए कि आज हम जो गुनाहों में मुब्तला हैं हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और तौबा करें। और हमारी हालत अभी देखिए कितनी माशाल्लाह कितनी शानदार है। अभी मैं तौबा पे बयान कर रहा हूं मगर अभी भी सब गुफ्तगू में लगे हुए, इससे ज्यादा बेहिसी और क्या हो सकती है। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी, ऐसा लगता है इंसानों के बीच हम बैठे ही नहीं है, ना जाने कौन सी मखलूक है ये कि ये समझ भी रही है कि नहीं समझ रही है, या पता नहीं मैं कौन सी कोई फारसी बोल रहा हूँ या कोई और बाबा आदम के जमाने की जबान बोल रहा हूँ जिससे शायद आप लोग वाकिफ ही नहीं है या मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये जलसों के हालात है यार आप लोगों के यहाँ के, हैरानी होती है, अक्ल में हैरान हो जाता हूँ यार ये क्या हाल है कौम का कि आज अपने असलाफ की बात हम सुनना नहीं चाहते, चुटकुल्ले चाहिए हमको, लतीफे चाहिए,
चीखो पुकार चाहिए, उसको हमने फन तकरीर समझ रखा है, उसको हुनर समझ रखा है। वाज़ो नसीहत हमें हजम नहीं होती, बोर होते हैं हम उस वक्त अगर कोई वाज़ो नसीहत करे। लतीफे सुनाइए बड़ा मजा आएगा, हंसाइए बड़ा मजा आएगा, इधर उधर की हाकिए बड़ा मजा आएगा, हदीसें हमें अच्छी नहीं लगती। जब हमारा यह हाल हो जाए कि हमें अपने ही दीन की बातें अच्छी ना लगे, तो फिर शिकायत किस बात की जाए कि जालिम हम पर मुसल्लत है, शिकायत किस बात की कि हम पर फिर जुल्म हो रहा है। हमने अपनी जिंदगी को लौह लहीब में ऐसा मुब्तला कर रखा है कि उससे बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं। आज जरूरत है कि हम अपना जायजा लें, अपने घर में एक वक्त रात में जब पूरे दिन की मसरूफियात से फारिग होते, एक वक्त एक कोने में गोशे में बैठकर अपने बारे में और अपनी कौम के बारे में कुछ सोचे। आका फरमाते हैं जो शख्स पूरा दिन दुनियावी कामों में मशगूल रहता है, फिर खाता है और रात में बिस्तर पर जाके सो जाता है और एक लम्हे भी अपनी कौम के बारे में उसको कोई फिक्र नहीं होती, हुजूर फरमाते वो शख्स हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है। आज हमारी हालत कौम बनी इसराइल की तरह हो गई है कि जो अंबियाओं के पैगाम को इस कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते। हालांकि हमारी जिंदगी क्या है, हमारे हमें जो दुनिया में मोहलत और वक्त दिया गया है कितना दिया गया है, हमारी क्या कैफियत है, इसको समझने के लिए मैं एक हदीस सुना रहा हूं, बस वो सुन लीजिए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मक्तूबात में नकल करते हैं कि आका ने एक मरतबा अपने साहबा के दरमियान में खुतबा दिया, तकरीर की। इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें कौम बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया सुनाता हूं। शाह अब्दुल हक इसको हदीस कहकर मक्तूबात में बयान कर रहे हैं और बाज उलमा ने इसको हिकायत में शामिल शुमार किया, लेकिन मैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मक्तूबात के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि आका साहबा से कहते हैं कि एक शख्स था जंगल में जा रहा है, अचानक उसके पीछे एक शेर लपकता है, उस शख्स की नजर शेर पे पड़ी, उसने शेर से जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। सरकार फरमाते हैं कि शेर का मकसद था कि इसका शिकार करके अपनी भूख मिटाऊ, ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, यहां तक के हड़बड़ाहट में जब भागते भागते आगे पहुंचा तो एक गढ़ा था जिस पर कुछ घास वगैरह बिखरी हुई थी, इसको गढ़ा ठीक से नजर नहीं आया और इतना बड़ा गढ़ा था कि छलांग ना लगा सका और उस गढ़े में गिर पड़ा। बस जैसे ही उस गढ़े में गिर रहा था कि इसने हाथ पैर मारने शुरू किए, जैसे इंसान की फितरत होती है जब गिरता है तो हाथ पैर मारता। फिर फरमाते कि जब उसने हाथ पैर मारे तो दो शाखें जो उस गढ़े में उगी हुई थी दरख्तों की कुछ शाखें, उन शाखों में से उसके हाथ में एक शाख आ गई और उस शाख को पकड़ के वो झूलने लगा, गढ़े की तह में गिरने से बच गया। उसने सुकून का सांस लिया कि चलिए गढ़े के नीचे अल्लाह जाने क्या था, दल दल था, पानी था, क्या था मुझे नहीं मालूम, वो गढ़े में सिराए तारीखी और अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। चलो अल्लाह का शुक्र है शाख हाथ में आ गई, मेरी जान बच गई जी, ठीक है। फिर आका फरमाते हैं कि उसने शाख को मजबूती से पकड़ लिया और शेर आया और शेर गढ़े के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब वो देख रहा है और इंतजार में शेर कि तू इस गढ़े से बाहर निकल तो मैं तेरा शिकार करूं। अब ये भी जानता है कि अगर मैं शाख पे खींचकर ऊपर चढ़कर बाहर आने की कोशिश करता हूं, बाहर आऊंगा शेर मेरा शिकार कर लेगा, शेर खा जाएगा, फाड़ जाएगा। आफियत और बेहतरी इसी में है कि इस शाख को पकड़े रहो और इंतजार करो, जब शेर चला जाए तो बाहर आओ। आका फरमाते कि उसने मजबूती से शाखों को पकड़ लिया, अभी वो शाख पर अपनी हाथों की गिरफ्त को मजबूत कर ही रहा था कि वो चीख पड़ा और चौंक गया और घबरा उठा, उसने देखा कि दो चूहे हैं जो उस शाख को कतर रहे हैं, एक काले रंग का चूहा है और एक सफेद रंग का चूहा, वो दोनों अपने दांतों से नोकीले दांतों से शाख को कुरेद रहे कतर रहे हैं। ये घबरा उठा ये शख्स, अब जान गया कि बस अन करीब ये शाखों को कतरेंगे, शाख टूटेंगी और मैं गढ़े में गिर पड़ूंगा।
उसने फिर गढ़े के नीचे झांक कर देखा कि चलो देखो अगर मैं गिरता हूं तो गढ़े में क्या हालत है, ठोस जमीन है या नहीं। अगर ठोस जमीन हो तो मैं अपने आप को खुद ही गढ़े में गिरा दूं, और जब शेर चला जाए तो फिर बाहर निकलने की तदबीर सोची जाएंगी। आगा कहते हैं कि जब उसने जायजा लेने के लिए गढ़े की तह में झांका तो उसकी घबराहट में और इजाफा हो गया, वो और परेशान हो गया कि देखा कि गढ़े में एक अजदा है जो मुंह फाड़े खड़ा हुआ बैठा हुआ है। अजदा है वो गढ़े में और उसका मुंह खुला हुआ है, गोया वो इस इंतजार में कि तू गिरे तो मेरे मुंह में आए और मैं तुझे निकलूं। अब जरा तस्वर कीजिए उस शख्स की कैफियत क्या है, ऊपर भी मौत है नीचे भी मौत है, हलाकत के सिवा चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। सहाबा कराम बड़े तवज्जे से ये सुन रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, और हैरान है कि एक शख्स के साथ इतने भी इत्तेफाक हो सकते। फिर आका मजीद आगे फरमाते हैं कि लोगो उसने देखा कि अगर शाख से मेरी हाथ छूटते हैं और मैं गिरता हूं तो अजदा के मुंह में, शाख से अगर चढ़कर मैं ऊपर आता हूं तो ये शेर मुझे खा लेता है, और शाख को पकड़े ही रहता हूं तो कुछ देर की जिंदगी है, उसके बाद ये शाख टूटती है तब भी मैं अजदा के मुंह में। अब उसने देखा कि मौत तो हक है, मौत से फरार नहीं, अब मरना यकीन ही है, तो अब इससे पहले कि मैं मौत के आने की आहट को देखकर, मौत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खौफ जदा होकर, मैं इससे पहले ही खौफ जदा हो जाऊं और घबराऊं तो कुछ ऐसा काम और कुछ ऐसा अमल करूं कि मौत का जो आ रहा है खौफ की जो मौत मेरे करीब आ रही है मैं इससे कुछ वक्त के लिए कम अज कम गाफिल हो जाऊं। उसने उस गड़े में आसपास देखने लगा तो आका फरमाते कि पास ही उसे एक थोड़े ही दूर पर एक दूसरी जो झाड़ियां थी वो गड़े में उस झाड़ियों में उसको एक शहद का छत्ता नजर आ गया। उसने कहा चलो अब मरना तो यकीन ही है, क्यों ना मरते मरते आखिरी बार शहद ही खा लूं, और अगर शहद खाने में मशगूल होऊंगा तो कम से कम उतनी देर तक मौत का खौफ और मौत से मैं गाफिल हो जाऊंगा। उसने छत्ते पर हाथ मारा, छत्ते को निचोड़ा, शहद टपकने लगा। आका कहते हैं कि उसने शहद को चाटना शुरू किया और शहद की चाशनी उसको इतनी भली मालूम हुई, उसकी मिठास इतनी अच्छी लगी कि शहद खाने में ऐसा मशगूल हो गया कि वो शेर जो मौत की शक्ल में ऊपर उसके इंतजार में था उसको भी भूल गया, वो शाखों को जो चूहे कतर रहे थे उनको भी फरामोश किया, वो अजदा जो उसके इंतजार में कि ये मेरे मुंह में समा जाए उस अजदा से भी गाफिल हुआ और शहद की चाशनी में डूबकर शहद चाटने लगा। आका फरमाते वो शहद चाटता रहा यहाँ तक के उन चूहों ने अपना काम तमाम किया, शाख टूटी है गिरा और अजदा के मुँह में समा गया और इसकी जिंदगी खत्म हो गई। सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी क्या एक शख्स के साथ इतने भी इत्तेफाकात हो सकते हैं, इतने सारे वाकयात अजीब व गरीब कि उसका जंगल में जाना, शेर का पीछा करना, गढ़े में गिरना, शाखों का मिल जाना, शाखों को पकड़ लेना, शाखों का बिच्छुओं का कतरना, गढ़े की तह में अजदा का मुंह फाड़े हुए उसके इंतजार में होना, वहीं पे भी शहद का छत्ता मिल जाना, अल्लाह के नबी क्या एक शख्स के साथ इतने सारे इत्तेफाक हो सकते। आका ने फरमाया ये एक मिसाल है, एक तमसील है, और ऐ लोगों वो शख्स जिसका मैं वाकया बयान कर रहा हूं वो तुम में से हर फर्द है, वो शख्स तुम में का हर फर्द है, और ये तमसील है तुम्हारी जिंदगी का एक कुल निचोड़ है कि वो जो शेर है वो तुम्हारी मौत है जो तुम्हारे ताकुब में तुम्हारे पीछे पीछे लगती चली आ रही है। तुम अपनी मौत से भागते हो लेकिन मौत तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ती, यहां तक के वो शाखे जो दो है जिसको तुमने थाम रखा है वो तुम्हारी जिंदगी की सांसें हैं, जिससे तुम जुड़े हुए हो, जिससे तुम बंधे हुए हो, जब तक वो शाखों का सहारा है तुम जिंदा हो, और वो जो दो चूहे हैं जो शाख को कतर रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, वो दिन और रात है, दिन और रात आते हैं और दिन ब दिन जैसे जैसे वो आते हैं और गुजरते हैं तुम्हारी जिंदगी की ये सांसें, तुम्हारी ये शाख कम होते जा रही है, तुम्हारी ये सांसें कम होते जा रही है, गोया ये दिन और रात तुम्हारी सांसों को कतर रहे हैं। और आका फरमाते वो अजदा जो मुंह फाड़े तुम्हारे इंतजार में वो तुम्हारी कब्र है, जो तुम्हारे इंतजार में है कि कब ये शाखों का सिलसिला टूटे और कब तुम मौत के मुंह में समाओ,
और वो शहर जो है वो दुनिया की रंगीनियां हैं, दुनिया का मजा है, और तुम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे मशगूल हो गए कि मौत जो तुम्हारे ताकुब में है, तुम्हारा पीछा कर रही है, उस मौत को भी तुमने भुला दिया है। उस शाखों को जो दिन ब दिन कम हो रही है, वो सांसें, वो तुम अपनी सांसों के कम होने को भी फरामोश कर चुके, और वो अजदा जो कब्र की शक्ल में तुम्हारे इंतजार में, तुमने अपनी कब्र को भी फरामोश कर दिया। ये मिसाल, ये वाक्या तुम में से हर फर्द का है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका भी है। जब यकीन है कि हमें मरना ही है, कब्र हमारा आखिरी ठिकाना है, फिर क्या वजह है कि हम इतने गाफिल है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करते। हम अल्लाह से शिकायत तो करते हैं, मौला हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये सितम क्यों है, हम तुझ पर ईमान लाए, जो ईमान लाए वो तकलीफ में है, और जो तेरा इनकार करते हैं, तेरे अलावा 365 बातिलाने माबूद को पूजते इबादत करते हैं, वो आज खुशहाल है। याद रखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना, और ये मौत उस कैदी की आजादी है। जब मोमिन इस दुनिया से मौत के जरिए आजाद होता है, तो जैसे कैदी कैद से आजाद होकर फिर जहां चाहे वहां फिरता है, उसी तरह मोमिन की हालत है कि दुनिया के कैद खाने से निकलता है, आलम बरज़ख में जाता है, फिर जन्नत में जाएगा, तो जन्नत में जहां चाहे वहां सैर करे। और काफिर के लिए ये क्या है, दुनिया गोया जन्नत है, इसलिए वो आजाद है ऐशो इशरत में। तो हमें काफिर को देखकर ऐसा से कमतरी नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी इस्लाह करना है, और इस कैद खाने में जो तकलीफ का दौर है, हमें सब्र तहम्मुल के साथ अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हुए गुजारना है। आज हमारे पास वक्त है, अभी सांसें हैं हमारे पास, अल्लाह जाने किस शख्स की, आप में से, मेरी, आपकी, किसकी, न जाने कौन सा वक्त आखिरी सांसों का आ जाए। हम में से कोई नहीं जानता कि किसकी कब मौत आने वाली है, कोई अपनी मौत से वाकिफ नहीं। इसलिए आज हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में मगलूब ना हो के गालिब हो जाए। उसके लिए तो बहुत सारे उसूल है, बहुत सारी बातें हैं, घंटों तकरीर हो सकती है, लेकिन बड़े गौर और फिक्र के बाद जो मैंने जायजा लिया, तो मैंने ये नतीजे पहुंचा कि अगर आज मुसलमान सिर्फ दो चीजों पर अमल कर ले, तो खुदा की कसम आज भी हम हुकूमत कर सकते हैं, और वो जो हम पर सालिम हाकिम है, हमारे महकूम हो सकते हैं। सिर्फ दो चीजें मुसलमान अहद कर ले, सिर्फ दो चीजें। एक ये कि हर मुसलमान अहद कर ले कि 5 वक्त नमाज में पाबंदी के साथ पढ़ूंगा, 1 वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। खुदा की कसम, सिर्फ नमाज का अहद कर लिया, बाकी गुनाह खुद ब खुद छूटते जाएंगे। इसलिए कि नमाज की बरकती वो है, अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोकती है। इसलिए कि बंदा जब नमाजी हो जाता है, तो गुनाह फिर यूं छूटने लगते हैं कि जब गुनाह करता है तो ख्याल आता है कि ऐ शख्स, मुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि मैं गुनाह करूँ और फिर अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा भी करूँ। कल रब तबारक व तआला ने इसके बारे में सवाल कर लिया, तो क्या जवाब दूंगा। लोग फिर इस तरह से उसको टोकते हुए भी नजर आते, जनाब ये गुनाह करते हो, नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की और गुनाह करते हो, तो लोगों का ख्याल, लोगों के कहने और तंज ताने का डर, ये चीज भी उसको गुनाहों से रोक देता है। अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की का जो है उसको खौफ, और अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी का खौफ, ये भी उसको गुनाहों से रोक देता है। तो नमाज एक ऐसी चीज है कि जो उसको मुत्तकी और परहेजगार तो बनाती ही है, साथ में उसको गुनाहों से भी बचाती है। सबसे पहले यह अहद कर ले हर मुसलमान कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और जाहिर है जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद दुआ भी करेंगे, इसलिए कि नमाज के बाद दुआ क्या है, यह इबादत का मग़्ज़ है। और जब दुआ करेगा बंदा, तो यकीनन फिर अल्लाह से तौफीक भी मानेगा, अपने गुनाहों की मगफरत भी तलब करेगा, तौबा भी करेगा। तो पहली चीज बंदा अहद कर ले, पहली चीज कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। और दूसरी चीज मैं कहता हूं, हर नौजवान यह अहद कर ले कि मैं अपनी इस्लामी पहचान, इस्लामी आइडेंटिटी को नहीं छुपाऊंगा। मतलब ये कि मैं दाढ़ी रखूंगा। अब दाढ़ी रखने में क्या हिकमत है, क्या फजीलत है, इस पर तो मैं बहुत घंटों बोल सकता हूं। आज हमारी जिल्लत की ये वजह है कि आज हम अपने आप को मुसलमान जाहिर ही नहीं करना चाहते।
हमने अपनी अपनी पहचान ऐसी बना रखी है कि लोग हमें गोयम मुसलमान ही ना समझे। दूसरी चीज ये कि हम दाढ़ी रखने का ऐड कर ले बस। ये आज का नौजवान दो चीज अगर कर ले खुदा की कसम तो मैं कहता हूं कि आज भी हम गालिब आ सकते हैं। तो हमें हर सुन्नी को गुनाहों से तौबा करना है, मगर कुछ वो लोग हैं जिनको बदअकीदी से भी तौबा करना चाहिए। कुछ लोगों को बदअकीदगी से भी तौबा करनी चाहिए, इसलिए कि अगर बदअकीदगी साथ में हो तो फिर कोई तौबा कबूल नहीं होती। बदअकीदगी साथ में हो तो नमाज भी कबूल नहीं होती, बदअकीदगी साथ में हो तो दाढ़ी रखना भी मकबूल नहीं हो सकता। और बदअकीदगी क्या है? बदअकीदगी यह है कि अल्लाह रसूल की शान में अदनासी भी तौहीन, अदनासी भी गुस्ताखी। ये बदअकीदगी की तरफ बंदे को ले जाती है। और सिर्फ यही नहीं कि हम तो गुस्ताखी करते नहीं हैं, गुस्ताखों को अच्छा समझना और गुस्ताखों के साथ रहना यह भी खसारे का सबब है। तारीख के अंदर एक वाकया मिलता है, इसको हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर, एक सूरह की तफसीर लिखी, सूरह आलम नशरा की तफसीर जिसका नाम है अल कलामुल औजा फी तफसीर सूरह आलम नशरा, और भी उलमा ने लिखा है, मैं उस किताब के हवाले से भी आपके सामने वाकया पेश कर रहा हूँ। हजरत शमून अलैहि सलाम एक नबी गुजरे मूसा अलैहि सलाम के कौम में, बाद में 6 लाख लोगों की आबादी थी हजरत शमून अलैहि सलाम। पहले अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ अंबिया भेजे जाते थे, एक वक्त में एक से ज्यादा भी नबी होते थे। सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे वाहिद रसूल और नबी है कि उनके जमाने में उनके अलावा ना नबी है ना रसूल है, वरना पिछली उम्मतों में, पिछले दौर में, पिछले अदवार में ऐसा भी हुआ कि रसूल भी है कुछ नबी भी है, एक साथ कई कई नबी है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, उन्हीं के ज़माने में उनके बेटे इसहाक अलैहि सलाम भी है, हजरत इब्राहिम क्या नाम है, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम भी है, हजरत लूत अलैहि सलाम भी है, लूत अलैहि सलाम भी नबी है, इस्माइल अलैहि सलाम भी नबी है, इसहाक अलैहि सलाम भी नबी है, खुद हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम भी नबी है। एक वक्त में कई कई नबी होते थे। मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में मूसा अलैहि सलाम रसूल भी है, नबी भी है। उन्हीं के ज़माने में हजरत हारून अलैहि सलाम भी नबी है, हजरत शमून भी है, हजरत यूशा भी है। हजरत यूशा अलैहि सलाम, शमून नहीं, मैं गलत बोल गया, माफी चाहूंगा, यूशा अलैहि सलाम। 6 लाख की आबादी थी इनकी, 3 लाख लोग ईमान लाए, 3 लाख लोगों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत यूशा ने समझाया, बहुत समझाया, कई साल समझाया उस कौम को जो ईमान नहीं लाए। जब नहीं लाए, नाफरमानी पर अड़े रहे, जिद पर अड़े रहे, हजरत यूशा अलैहि सलाम उस कौम से मायूस हो गए कि अब ये हिदायत नहीं पाने वाली, तो अल्लाह से दुआ की, मौला इस कौम पर अजाब नाजिल कर, ये 3 लाख जो तेरे नाफरमान है इन पर अजाब भेज। और रब ने फरमाया, यूशा तन्हा अपने इस कौम को छोड़कर निकल जाओ, पूरी कौम पर अजाब भेजा जाएगा। हजरत यूशा अलैहि सलाम हैरान हो गए, सजदे में गिरे, मालिक कायनात ये 6 लाख में 3 लाख तो फरमाबरदार है, 3 लाख ईमान लाने वाले हैं, 3 लाख नाफरमान है, ऐ रब्बे कदीर तू पूरी कौम को तबाह फरमाएगा, नेकोकारों को भी, अहले ईमान को भी। अल्लाह ने फरमाया, हाँ यूशा ये 3 लाख जो ईमान ला ये भी तबाह किए जाएंगे, इन पर भी अजाब आएगा। अर्ज किया, मालिक कायनात इसका सबब क्या है? इरशाद रब्बानी, अल्लाह ने फरमाया, यूशा सोन ये ईमान तो लाते हैं, इबादत तो मेरी करते हैं, मगर उन 3 लाख बेमानों से जो मुझे नहीं मानते, मेरी गुस्ताखी करते, मेरी तौहीने करते, उन 3 लाख लोगों से ये अपने ताल्लुकात रखते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं, दोस्तियां करते हैं, लिहाजा अजाब में ये भी उनके साथ शरीक हो। और नतीजा यही हुआ कि अजाब आया और पूरी 6 लाख की कौम पूरी तबाह बर्बाद हो गई। तो बदअकीदों की सोहबत में रहना भी बदअकीदगी की तरफ ले जाता है, अजाब का शिकार बनाता है।
तो ये नहीं कि हम गुस्ताखी नहीं करते, ये काफी नहीं है। जो गुस्ताखी करते हैं उनसे भी बचना है। जो अल्लाह नबी की तौहीन करते हैं अगरचे वो अपने आप को अहले ईमान कहें, उनसे भी परहेज करना है।